सो ट्रिग्नोमेट्री का देखो, सबसे ज्यादा जो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को जो एंगल्स से हम लोग देखते हैं कि एंगल्स रेडियंस और डिग्री में कैसे कन्वर्जन होता है, थोड़ा बहुत तो मैंने बताया भी है तुम लोगों को पहले। कोई भी एंगल जो हम लोग मेजर करते हैं वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव मेजर करते हैं। तो ये अगर बेस वाला रे है और ये रोटेटिंग रे है, दो रे मिलके एक वर्टेक्स पे अगर ज्वाइन करता है तो एंगल बनता है, और एंगल हमेशा हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल वाले से और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, वो एंगल थीटा होता है। तो ये एंगल हमारा थीटा है। तो थीटा रिप्रेजेंटेशन है, एक वेरिएबल है बेसिकली जो एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। सो एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन दैट द रिवॉल्विंग लाइन मेक्स विथ इट्स इनिशियल पोजिशन। तो ये तुम्हारा इनिशियल रे हो गया, और ये रोटेटिंग रे या रिवॉल्विंग रे जो भी कर लो, ठीक है। ये रोटेटिंग रे जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है उसको हम लोग एंगल्स बताते हैं। जैसे अगर ये इनिशियल रे है और ये रोटेटिंग रे है, ठीक है, तो ये अगर इनिशियल पोजीशन है तो उस केस में ये वाला एंगल नहीं मेजर करते हैं हम लोग, ये वाला एंगल मेजर करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा चलते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज वाला नहीं मेजर करेंगे। अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा एंगल का मेजरमेंट, और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जो मेजरमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है एंगल का मेजरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल इसको थीटा रिप्रेजेंट करेंगे और ये नेगेटिव एंगल है, राइट, तो ये प्लस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वाला जो एंगल है बिकॉज 360 माइनस थीटा है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो माइनस ऑफ 360 माइनस थीटा से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि क्लॉकवाइज में हमेशा हम लोग एंगल नेगेटिव से मेजर करते हैं। सो इट द एंगल इज टेकन पॉजिटिव इफ इट इज ट्रेस्ड बाय द रिवॉल्विंग लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड इज टेकन नेगेटिव इफ इट इज कवर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमारा ये नेगेटिव एंगल मेजरमेंट होता है। इसके बाद ये जो कन्वर्जन है बेसिकली 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। तो हम लोग को पता है कि एक पूरा रोटेशन बेसिकली 360 डिग्री कैसे मेजर करते हैं, कि अगर हम लोग ये पूरा जो एक पूरे पूरा एक रोटेशन कर दें, मतलब एक रे ये है और दूसरे रोटेटिंग रे फिर से एक चक्कर काट के वापस इनिशियल रे के ऊपर आ जाएगा, तो टोटल एंगल जो कवर होता है दिस होल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इस 360 डिग्री एंगल को अगर हम लोग 360 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हर पार्ट जो है, तो टोटल अगर 360 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एवरी पार्ट विल बी इक्वल टू 1 डिग्री। अब उस 1 डिग्री एंगल को अगर 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट 1 मिनट होता है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। मिनट ये टाइम वाला मिनट नहीं है, ये एंगल वाला मिनट है। तो इसको कहीं कहीं पे देखोगे आर्क मिनट भी लिखा होता है। आर्क मिनट मतलब वो स्पेसिफाई करता है कि एंगल वाला मेजरमेंट का मिनट है। और 1 मिनट को अगर 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स, और इसको भी हम लोग आर्क सेकेंड्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये आर्क मिनट हो गया और आर्क सेकेंड हो गया, ठीक है, 1 सेकेंड होल्ड कर। हाँ जी बच्चों, हम लोग ये बात कर रहे थे कि 1 डिग्री को अगर हम लोग 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट एक आर्क मिनट होता है, और 1 मिनट को, ये जो सिंगल डैश से इसको मिनट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 मिनट को 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो 60 सेकेंड हो जाएगा, और हर पार्ट को वो आर्क सेकेंड्स कहते हैं। और जो हमारा एंगल है डिग्रीज और रेडियन में जो होता है, तो 1 राइट एंगल इज बेसिकली 90 डिग्रीज, और इसी को रेडियन में लिखते हैं तो वो पाई बाई 2 रेडियन के बराबर होता है। तो SI यूनिट रेडियन है एंगल का, तो इसीलिए हम लोग अब से जो भी एंगल लिखेंगे
वो रेडियन ही यूज करेंगे एंगल के लिए। क्लियर है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब ये एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो जो हम लोग रेडियंस में एंगल मेजर करते हैं उसका डेफिनेशन है बेसिकली। सो एंगल्स, एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू थीटा इज एल अपॉन आर। एल अपॉन आर का मतलब लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। सो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। मान लो ये हमारे पास एक आर्क है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये हमारा आर्क का रेडियस हो गया और ये लेंथ ऑफ आर्क हो गया। तो ये लेंथ ऑफ आर्क, ये रेडियस, और जो एंगल ये आर्क सबटेंड कर रहा है इसके सेंटर पे, वो हमारा बेसिकली एंगल थीटा हो गया रेडियंस में। तो एंगल इन रेडियन थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क ऑन रेडियस। सो लेंथ ऑफ आर्क इज ऑल्सो रिटन एज आर इंटू थीटा। आर को इधर ले जाओगे, थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, या थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ये फॉर्मूला अच्छे से आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है, काफी यूजफुल है। हम लोग तो इसका एक यूज देखे भी, अभी हम लोग पैरेलैक्स वाला जो मेथड कर रहे थे उसमें ये यूज हुआ था, याद है ना बच्चों, पैरेलैक्स वाले में हम लोग ये काफी यूज किए थे, तो वहां पे काफी यूज होता है। सो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज थीटा विच इज सर्कमफेरेंस बाय रेडियस। तो अगर जो हम लोग पूरा सेंटर ऑफ द सर्कल पे टोटल कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, तो तुम ये देखोगे कि ये अगर पूरा सर्कल है तो इसके सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड होगा वो अगर निकालना है, तो हम लोग को पता है कि थीटा इन रेडियंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क क्या हो गया, पूरा सर्कमफेरेंस हो गया, दैट इज 2 पाई आर अपॉन रेडियस, आर आर कट गया, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा टोटल एंगल। सो 2 पाई हम लोग ने देखा था कि पूरा सर्कल में 360 डिग्री होता है, तो इससे हम लोग का क्या आ गया भाई, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो पाई रेडियन अगर हम लोग निकालेंगे, सो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, पाई रेडियन इज 180 डिग्री। तो इसीलिए अगर हम लोग को एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है, डिग्री से रेडियन में, सो कन्वर्जन है ना, अब ये डिग्री में एंगल दिया हुआ है, इसको हम लोग को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई इट बाय पाई बाय 180। और यही अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम लोग 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो ये भी एक बड़ा अच्छा तरीका है याद करने का, कि डिग्री है तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ऊपर क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर में रेडियन आना चाहिए, तभी तो वो रेडियन में जाएगा। डिग्री वाला चीज इधर से और इधर से कैंसिल हो जाएगा, मान लो यहाँ पे जो भी डिग्री होगा, डिग्री डिग्री कैंसिल हो गया, बच गया आंसर रेडियन में। तो इसीलिए ऐसे ध्यान रखना कि डिग्री से रेडियन में करना है तो ऊपर पाई रेडियन वाला चीज आएगा, और रेडियन से डिग्री में करना है तो फाइनली आंसर डिग्री होना चाहिए, तो रेडियन कट जाना चाहिए, इसीलिए पाई से डिवाइड करते हैं और 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब मैंने ऐसे ही याद किया था, आप लोगों को जैसे सुविधा हो वैसे याद कर लीजिए। तो ये एक कन्वर्जन है जो हमेशा हम लोग याद करके रखते हैं। सो इसी पे बेस्ड ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे ये देखो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम लोगों ने कर लिया। ये कन्वर्जन कैसे आता है ये भी अभी हम करके दिखाएंगे। अभी पहले ये समझ लो कि भाई अगर हमें 45 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 45 फोर जा हो गया 180, तो ये क्या हो गया, पाई बाय 4 रेडियंस। और उसी तरह ये पाई बाय 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है,
तो हम लोग को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पाई पाई कट गया तो 6 और ये कैंसिल करेंगे 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है ये एग्जांपल आप लोगों को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं? यस सर। 15th वाला है कन्वर्ट 30 डिग्री टू रेडियंस, तो रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो डिग्री को, तो यहाँ पे पाई बाय 180 से फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाय 6 हो गया तो ये पाई बाय 6 रेडियन, और उसी तरह पाई बाय 3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 3 इंटू 180 बाय पाई कर लेंगे, ये कैंसिल हो गया, सो 3 वनजा एंड ये 60 डिग्रीज, तो आंसर 60 डिग्रीज हो जाएगा। तो सिंपल चीज है, ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, इससे हमारा सारा कन्वर्जन आराम से हो जाएगा। ये क्लियर है बच्चों? यस सर। अब जैसे ये इस तरह का क्वेश्चन काफी आता है कि 1 रेडियन को कन्वर्ट करो या कुछ भी रेडियन को कन्वर्ट, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके अगर कट जाता है तब तो बहुत आसान है, अगर नहीं कैंसिल आउट होता है तब कैसे कन्वर्ट करेंगे उसका हम तरीका बताएंगे। वहां पे हम लोग डिग्री नहीं मिनट भी निकालना पड़ता है और सेकंड्स भी निकालना पड़ता है। ये लिख लिया सभी ने? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब ये हम लोग इस पे आते हैं सेकंड वाले पे। देखो यहाँ पे कह रहा है 1 रेडियन को कन्वर्ट करके बताओ, तो अब हम लोग 1 रेडियन को कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 रेडियन को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 180 बाय पाई डिग्रीज। अब पाई का वैल्यू हमें 22/7 पता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 22/7, सो ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 22, सो 180 इंटू 7 हम लोग कर लेते हैं, इसको 22 से डिवाइड करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक एक करके हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो पहले हम लोग डिग्री देखते हैं, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1260 को अगर 22 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे अलग से डिवाइड करके देख लेते हैं, 1260 को 22 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 22 5s 110 होता है, 160 हो गया, 22 7 टाइम्स अगर करते हैं 154 हो गया, रिमाइंडर 6 बच गया, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 57 टाइम्स 6 अपॉन 22 डिग्रीज। अब इसको बिकॉज ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तुम क्या करो 57 डिग्री लिख लो, और ये जो फ्रैक्शन वाला पोर्शन है इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 6 × 22 6/22 × 60 मिनट्स में कन्वर्ट हो गया, ये जो डिग्री वाला पार्ट है 6/22 उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर देते, तो ये हमारा हो गया 57 डिग्री और ये 360/12 मिनट्स। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉरी 12 में, तो 360 को हम लोग 22 से डिवाइड करेंगे, तो ये 132 हो गया, 8 बचा, राइट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 57 डिग्री 16 मिनट्स, और उसके बाद हमारा ये 8/22 × 60 सेकेंड्स कर लें, ठीक है, इससे हमारा आएगा 57 डिग्री
16 minutes, 480 by 12. अब यहाँ पे फर्दर हम लोग नहीं करते हैं, हम 480 by 22 कर लेंगे और जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है उसको ले लेंगे. तो 480 डिवाइडेड बाय 22 करते हैं तो 21 आता है हम लोगों को, 21.8. तो हम लोग 23 लेके 57 डिग्री 16 मिनट्स 23 सेकंड्स लेके सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, इसमें एक गलत वैल्यूज दिया है, 57 डिग्री 17 मिनट्स. क्लियर है बच्चों? यस सर. लिख लिया आप लोगों ने? यस सर. यस सर. अब हम लोग वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर सम कॉमनली यूज्ड एंगल्स, ये हम लोग को याद ही है जो बेसिक वाले हैं. 0 डिग्री आपको पता ही है, 30 डिग्री पता है, 45 डिग्री पता है, 60 डिग्री पता है और 90 डिग्री पता है. जो नए एंगल्स ऐड हुए हैं वो 37 डिग्री और 53 डिग्री. फिजिक्स में ये बहुत यूजफुल है. तुम जितने भी क्वेश्चंस करोगे और ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और इन सब में, मैकेनिक्स में खासकर तुम काफी यूज देखोगे इसका. तो साइन 37 डिग्री 3/5 होता है, कॉस 37 4/5 हो गया, टेन 3/4 हो गया, बाकी तो उसका रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं. और उसी तरह 53 डिग्री में इसको इंटरचेंज कर दो, ये 4/5 हो गया, 3/5 हो गया, ये इसका रेसिप्रोकल. ठीक है बच्चों, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, उस हिसाब से आप लोग उसको निकाल सकते हैं. तो ये याद कर लेना तुम लोग. अब ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो आप लोग को ऑलरेडी 10th क्लास तक पढ़ाई हुई है, जस्ट रेसिप्रोक जस्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, इसी से 2 और आ जाता है हम लोगों को, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, उसके बाद टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है. बेसिकली कॉट थीटा इज 1 बाय टेन थीटा या टेन थीटा इज 1 बाय कॉट थीटा, रेसिप्रोकल है एक दूसरे का. और टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा उसका रेसिप्रोकल हो जाता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा. साइन इंटू कॉसेक इज 1, कॉसेक जो है 1 बाय साइन होता है. उसी तरह कॉस इंटू सेक इज 1 एंड सेक इज 1 बाय कॉस. और 1 प्लस टेन स्क्वायर sec स्क्वायर होता है, इसी से हम लोग एक और फॉर्मूला याद करते हैं भाई कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा. और एक और जो फॉर्मूला हम लोग काफी यूज करते हैं कि भाई sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. यहाँ पे भी वो दो वेरिएशन हम लोग काफी यूज करते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, और दूसरा कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया. ठीक है, cos स्क्वायर थीटा जो है tan में कन्वर्ट करेंगे तो 1 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है और cot स्क्वायर बाय 1 प्लस cot स्क्वायर होता है. sin स्क्वायर को कन्वर्ट करते हैं तो 1 बाय 1 प्लस cot स्क्वायर होता है विच इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. तो
ये सारे फॉर्मूलेज हैं जो आपको फिजिक्स में काम आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के। तो ये सब को अच्छे से लिख के अपने अपने जो रीडिंग जो स्टडी टेबल होता है स्टडी टेबल के सामने दीवार पे चिपकाना है ये सब जितने फॉर्मूलेज हैं। डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला चिपकाना है, इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला चिपकाना है, ये ट्रिग्नोमेट्री वाले जितने फॉर्मूलेज हम बता रहे हैं ये सबको अच्छे से प्रिंट लेके या हाथ से लिख के, अगर प्रिंटर घर में है तो प्रिंट यूज कर लेंगे, अदरवाइज अपने हाथ से लिख के कॉपी मतलब जो व्हाइट पेज पे और उसको लगाइए, उससे पढ़ाई का माहौल बनता है आसपास। और पढ़ाई का माहौल जब तक नहीं बनेगा तब तक कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्लियर नहीं होगा। तो रूम में घुसते ही लगना चाहिए कि ये कोई बच्चा आईआईटी का तैयारी कर रहा है या नीट का तैयारी कर रहा है, ऐसा दिखना चाहिए। वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वाला फील आना है तुम्हारे आसपास, मतलब अपने एनवायरनमेंट को वैसे बना के रखना है। तो बहुत बड़ा फैक्टर है जो प्ले करेगा तुम्हारे होने या नहीं होने। ठीक है बच्चों? यस सर। हो गया ये, आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों ने इसको लिख लिया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट चलते हैं, जो नई चीजें अब आती हैं ट्रिग्नोमेट्री में, इतनी चीजें तो आप लोग को आती ही हैं। अब क्वाड्रेंट्स पे आते हैं। बेसिकली हमारा जो पूरा एंगल है 360 डिग्री का, हमने बोला एक सर्कुलर पूरा रीजन कवर करते हैं तो 360 डिग्री कवर होता है, उसको हम लोग चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो फोर पार्ट्स हैं ये इस तरह से हम लोग एक दो एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन ऐसे खींचेंगे। तो ये जो पूरा सर्कल है ना, बेसिकली ये क्या है, एक सर्कल का पार्ट है, राइट? तो ये जो पूरा सर्कल है, तो ये पूरा सर्कल चार पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट है हमारा ये जो है, ये बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे 0 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है? उसके बाद हमारा 90 डिग्री से 180 डिग्री, ठीक है? 90 डिग्री को हम लोग रेडियन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 डिग्री लेस देन थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या करेंगे, पाई बाय 2 लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई, मतलब 90 डिग्री लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू जीरो से 90 डिग्री ये हो गया, 90 डिग्री से 180 डिग्री हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, 180 डिग्री से मतलब पाई से लेके 3 पाई बाय 2 तक हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक। और ये 180 डिग्री से इसको डिग्री में लिखेंगे तो 270 डिग्री तक हो गया, 90 180 270। ये वाला लाइन जो है ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री भी लिख सकते हो या फिर 2 पाई भी लिख सकते हो, 90 डिग्री को पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं। ये हमारा 180 डिग्री वाला लाइन हो गया या पाई हो गया, ये हमारा 270 डिग्री वाला लाइन हो गया या 3 पाई बाय 2 हो गया, और उसके अलावा ये 360 डिग्री भी लिख सकते हो, इसको 0 डिग्री भी लिख सकते हो और 2 पाई भी लिख सकते हो। तो थर्ड जो फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारा वो बेसिकली 3 पाई बाय 2 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 2 पाई हो गया, और 270 डिग्री इज लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। तो ये चार क्वाड्रेंट होता है जो कि पूरे एंगल को डिफाइन करता है, जो 0 से 360 डिग्री एंगल है इन चार क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। क्वाड्रेंट का यूज क्या होता है वो हम लोग अभी नेक्स्ट इस पे देखेंगे। ये समझ में आ गया चारों क्वाड्रेंट आपको? Yes, sir. अब देखो एक ये वर्ड है ASTC, बेसिकली एड शुगर टू कॉफी, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया आपको याद रखना है, एड शुगर टू कॉफी। ए ले लेंगे इसमें से, एस इसमें से, टी इसमें से और सी इसमें से, बन गया ASTC। एड का ए जो है यहाँ लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में एस लिखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में टी लिखेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी लिख लेंगे। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव,
एस का मतलब साइन पॉजिटिव, टी का मतलब टैन पॉजिटिव और सी का मतलब कॉस पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव, ठीक है, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सब पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो, मतलब अगर एक एंगल एक्यूट एंगल है तो उसका साइन निकालो चाहे कॉस निकालो टैन निकालो सेक कॉसेक या कॉट निकालो, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आए। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने पे बस साइन पॉजिटिव आता है और साइन के साथ क्या और पॉजिटिव आएगा, कॉसेक भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि साइन का ही रेसिप्रोकल है कॉसेक, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होता है। टैन पॉजिटिव है और साथ में क्या पॉजिटिव है, कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। मतलब अगर तुम सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निकालोगे, इसका मतलब कि कॉस ऑफ लेट से 135 डिग्री निकालते हो, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि 135 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में बस साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, कॉस क्या है नेगेटिव है, इसीलिए वैल्यू आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। उसी तरह अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, अगर हम लोग साइन ऑफ लेट से 200 डिग्री लिखते हैं, तो साइन ऑफ 200 डिग्री क्या है, 180 से ज्यादा हो गया, 180 और 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट में है 200 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है बस, तो अगर हम लोग यहाँ पे टैन ऑफ लेट से 300 डिग्री लिखते हैं, 300 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया, तो ये नेगेटिव वैल्यू दे देगा। क्लियर है बच्चों ये सब? Yes, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है फिर से इसमें कि क्वाड्रेंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है तो ऑल आर पॉजिटिव, उसका एड यूज कर रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव है इसीलिए हम लोग शुगर का एस यूज कर रहे हैं, थर्ड में टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव टी यूज कर रहे हैं, फोर्थ में कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव इसीलिए सी यूज कर रहे हैं, ASTC एड शुगर टू कॉफी। ठीक है, ठीक है बच्चों, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर साइंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, तो ये तो हम लोग अभी पढ़ भी लिए थे कि भाई साइन और कॉसेक जो है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है एंड नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस और सेक देखेंगे तो ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है बाकी में नेगेटिव है, टैन और कॉट देखेंगे तो फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव है बाकी में नेगेटिव है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफाइंड, तो ये हो गया साइन और कॉसेक का, ये दोनों पॉजिटिव बाकी नेगेटिव है, फिर कोसाइन में ये दोनों पॉजिटिव फर्स्ट और फोर्थ पॉजिटिव है बाकी नेगेटिव है, टेंजेंट वाले में फर्स्ट और थर्ड पॉजिटिव है बाकी नेगेटिव, तो डायग्रामेटिकली वही सेम चीज बताया हुआ। अब ये आते हैं जो अभी तक हम लोग एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े थे, अब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को एक्सटेंड कर देंगे बाकी सारे एंगल्स के लिए। तो ये समझो कि जब हर चीज को हम क्वाड्रेंट से रिलेट करके ये पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज को समझेंगे, ये हमारा है 0 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, पाई बाई टू भी लिख सकते हो इसको, ये यहाँ पे पाई लिख सकते हो या 180 डिग्री लिख सकते हो, इसको हम लोग 3π/2 या 270 डिग्री लिख सकते हैं, और ये 0 डिग्री, 360 डिग्री या फिर 2π किसी भी चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जब हम लोग लिख रहे हैं 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा, तुम यहां से चलोगे 90 यहां पहुंच गए, और उसके बाद कह रहा माइनस ऑफ थीटा नेगेटिव, नेगेटिव के लिए फिर से वापस आओगे तुम इधर, है ना, तो 90 माइनस थीटा यहाँ पे मान लो ये थीटा है और ये 90 डिग्री था, तो 90 में से थीटा को सब्ट्रैक्ट करोगे तो
तुम्हारा जो एंगल होगा वो कहाँ मिलेगा तुमको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 90 माइनस थीटा, तो सारे जो है वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। और उसके अलावा हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला तो ऐसे भी याद है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट्स होता है, मतलब ये बेसिकली इंटरचेंज कर जाता है वैल्यूज, ठीक है। ये अपना जो कॉम्प्लीमेंट है उसमें चेंज कर जाएगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, और कॉट टेन में, ये सारे आपस में इंटरचेंज कर जाते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ। ये हम लोग ने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले तो हमें आते ही है, पहला वाला सेट। जो सेकंड वाले सेट पे आते हैं, यहाँ से अब नई चीजें स्टार्ट होंगी जो 11th क्लास के मैथमेटिक्स पे है बेस्ड। तो यहाँ पे जब हम कहते हैं 90 प्लस थीटा, मतलब हम लोग यहां से पहुंच गए 90 और उसके बाद फर्दर थीटा एंगल से मूव कर गए। थीटा एक एक्यूट एंगल है, तो 90 प्लस थीटा का मतलब पहले 90 पे पहुंचे और उसके बाद उसमें फर्दर थीटा एंगल हमने ऐड कर लिया। तो 90 प्लस थीटा मेरा किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या पॉजिटिव होता है, बस साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव है। तो साइन और कॉसेक तो पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। और बिकॉज 90 डिग्री इन्वॉल्व है यहाँ पे, जैसे 90 माइनस थीटा में कॉम्प्लीमेंट हो गया था, वैसे ही 90 प्लस थीटा में भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन साइन जो है थोड़ा वेरी करेगा। साइन जो है यहाँ पे प्लस सारे थे, सारे पॉजिटिव्स थे, यहाँ सारे पॉजिटिव्स नहीं होंगे, बस साइन और कॉसेक वाला पॉजिटिव होगा, साइन वाला पॉजिटिव और कॉसेक वाला पॉजिटिव, ठीक है। ये दोनों में बस पॉजिटिव वैल्यू आएगा, साइन 90 प्लस थीटा बदल जाएगा कॉस में, कॉसेक 90 प्लस थीटा बदल जाएगा सेक में, पॉजिटिव में। बाकी सारे जो हैं, तुम कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा देखो, या सेक 90 प्लस थीटा देखो, और कॉट 90 प्लस थीटा देखो, इन सब में क्या वैल्यूज आ रहा है, नेगेटिव वैल्यूज आ रहा है। कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, साथ में नेगेटिव वैल्यू डाल देंगे, टेन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, साथ में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, सेक कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक में, साथ में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, और कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टेन में, साथ में आ जाएगा नेगेटिव वैल्यू। तो ये नेगेटिव वैल्यूज आता क्यों है, क्योंकि कॉस टेन सेक और कॉट सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसीलिए ये नेगेटिव वैल्यूज आते हैं। बाकी जो है जैसे कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे हो रहा था, उसी तरह कॉम्प्लीमेंट में अपने कॉम्प्लीमेंट वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है, सबको समझ में आ गया नेगेटिव क्यों पॉजिटिव क्यों। देखो एक तरीका है कि रट लो, दूसरा तरीका है कि उसका लॉजिक समझ के रटो। लॉजिक समझ के रटने पे जीवन में कभी नहीं भूलोगे, और रट लेने से तो फिर दो मिनट बाद भूल जाओगे, जब तक कि बहुत भयंकर पावर नहीं है तुम्हारे पास रटने का। मैंने पहले भी बताया मेरे अंदर बहुत खराब पावर है रटने का, तो मैं तो सब में कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढता हूँ, कोई ना कोई लॉजिक ढूंढता हूँ, तभी फिर याद होता है। तो इसीलिए वो लॉजिक हम चाहते हैं बच्चों को भी बताएं, जिससे बच्चे मेरे जैसे जो बच्चे हैं जिनको याद नहीं होती है, उनको ये मदद मिल सके उस चीज। क्लियर है बच्चों, समझ yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे चलते हैं। अब ये 180 माइनस थीटा वाला जो रेंज है इसमें पहुंचते हैं। 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये है हमारा 0 डिग्री, 90 डिग्री, और ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री। 180 मतलब हम यहां से यहां आ जाएंगे 180, और उसके बाद थीटा वापस जाएंगे नेगेटिव है, 180 माइनस थीटा है, तो ये 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, देखो साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव होगा, और यहाँ पे कोई भी कन्वर्जन नहीं होता है साइन कॉस में या कॉस साइन में, साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, और टेन टेन ही रहता है।
कोई कॉम्प्लीमेंट का कन्वर्जन नहीं होगा, कन्वर्जन बस 90 डिग्री पे होता है और 270 डिग्री मतलब ये वर्टिकल लाइंस पे कन्वर्जन होता है, हॉरिजॉन्टल वाले में कोई कन्वर्जन नहीं होता है। तो साइन का साइन ही रह जाएगा, साइन पॉजिटिव ले लेंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, कॉस नेगेटिव हो जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, टैन 180 माइनस थीटा माइनस टैन थीटा हो गया, कॉसेक 180 माइनस थीटा प्लस कॉसेक थीटा होगा, sec 180 माइनस थीटा माइनस sec थीटा, cot 180 माइनस थीटा माइनस cot थीटा। तो बस साइन और cosec तुम देखोगे कि पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव, और अपना अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेंटेन करके रखता है, कोई कन्वर्जन नहीं होता। उसी तरह हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट वाले पे 180 प्लस थीटा वाले में। जब 180 प्लस थीटा में जाएंगे, ये मेरा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। 180 डिग्री ये है और इसमें प्लस थीटा आ गए, मतलब फर्दर 0 से 180 डिग्री पहुंचे और थीटा एंगल और आगे पहुंच गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये 180 था और यहाँ पे ये थीटा था। अब 180 प्लस थीटा हम लोग पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होते हैं, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो टैन कॉट पॉजिटिव दिखेगा तुम्हें और बाकी सब नेगेटिव दिखेगा, और यहाँ पे भी कोई कन्वर्जन नहीं होगा, सब अपना अपना मेंटेन करके चलेंगे, साइन का साइन ही रहेगा बट नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा रहेगा, टैन 180 प्लस थीटा प्लस टैन थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, cot 180 plus theta plus of cot theta। क्लियर है बच्चों? Yes, yes sir. Yes, sir. Next पे चलते हैं। 270 minus theta है, zero degree है, 90 degree है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 270 माइनस थीटा, तो 0 से लेके 90, 180 और 270 पे पहुंच गए, और माइनस थीटा मतलब वापस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किए, तो ये हो गया 270 डिग्री और ये हो गया थीटा, तो 270 माइनस थीटा करके हम लोग यहाँ पहुंच गए। So, ये हो गया हमारा एंगल 270 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग फिर से हैं, तो यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव होगा बस, और बिकॉज मैंने बोला था कि 90 डिग्री जहां इन्वॉल्व है और 270 डिग्री जहां इन्वॉल्व है वहां कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन किसके किसके बीच में, साइन कॉस के बीच में, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा टैन कॉट में और कॉट टैन में, कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में, तो ये सारा कन्वर्जन करते हुए और साइन का ध्यान रखते हुए 270 माइनस थीटा में बस टैन और कॉट को पॉजिटिव रख के बाकी सब नेगेटिव कर देंगे, ये हमारा फॉर्मूला होगा। हम लोग पहुंचते हैं अब 270 प्लस थीटा वाले में। ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है और 270 डिग्री है, ठीक है। जब हम लोग 270 प्लस थीटा जा रहे हैं, 0 से लेके 270 यहाँ पे पहुंच गए और प्लस थीटा फर्दर इधर ही मूव कर गए एंटी क्लॉकवाइज में, 270 डिग्री और ये थीटा, तो 270 प्लस थीटा जो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है कि बस कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस वाला पॉजिटिव और सेक वाला पॉजिटिव होगा बस, बाकी सब नेगेटिव होगा, और 270 डिग्री एंगल इन्वॉल्व है तो यहाँ पे भी कन्वर्जन होगा साइन का कॉस में, कॉस का साइन, टेन का कॉट का कॉट में, कॉट का टेन में, और कॉसेक का सेक में और सेक का कॉसेक। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। अब लास्ट हम लोग 360 माइनस थीटा पे चलते हैं। अब देखो दो चीज है, या तो 360 माइनस थीटा कर लो चाहे माइनस थीटा कर लो, एक ही बात है,
मतलब कि ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, 270 डिग्री है, और इसको हम लोग 360 डिग्री लिख सकते हैं। अब 0 से लेके 360 पे पहुंचे और माइनस थीटा आ गए तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही हुआ। या फिर तो या तो तुम 360 माइनस थीटा करो या 0 से सीधे माइनस थीटा करके यहां पहुंच जाओ, एक ही बात है। मतलब माइनस थीटा क्या हो गया, 0 से हम लोग क्लॉकवाइज की तरफ बढ़ गए तो माइनस थीटा, ये भी फोर्थ को सेम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा दोनों, 360 माइनस थीटा इज सेम एज माइनस थीटा, दोनों एंगल सेम। सो अगर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए तो यहां पे बस तुम्हारा कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, तो कॉस और सेक पॉजिटिव है, और बिकॉज 0 डिग्री इन्वॉल्व है और 360 डिग्री इन्वॉल्व है, यहां पे कोई कन्वर्जन नहीं होता है, साइन साइन ही रह जाता है, कॉस कॉस ही रह जाता है, तो ये 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। देखो बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा, कॉस और सेक बस पॉजिटिव रहे। उसी तरह यहाँ पे भी माइनस थीटा वाले में भी बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा और बस कॉस और सेक पॉजिटिव हो। सबको क्लियर है, किसी को डाउट है इसमें? नो सर। आगे बढ़े। यस सर। अब देखो, लेट से तुम्हें एंगल निकालने बोला है, अब इसका यूज कहाँ होता है, ये सब जो चीज इतनी पढ़े हम लोग इसको कहाँ यूज करेंगे? मान लो तुम्हें एंगल निकालने बोल दिया, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने बोल दिया, साइन ऑफ लेट से 200 डिग्री या साइन ऑफ 210 डिग्री, ये निकालने बोल, इसको हम लोग क्या कन्वर्ट कर लेंगे, साइन ऑफ 180 प्लस 30 डिग्री कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन 180 प्लस थीटा हम लोगों को पता है माइनस ऑफ साइन थीटा होता है फॉर्मूला से, माइनस साइन 30 डिग्री हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/2 हो जाएगा इसका। क्लियर है बच्चों? यस सर। अच्छा, दो चीज और तुम लोगों को बताना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 2π प्लस थीटा अगर हम करते हैं, चाहे साइन का हो चाहे कॉस का हो या किसी का भी हो, साइन ऑफ 2nπ प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओनली। सिमिलरली 2nπ मतलब 2π का मल्टीपल, 2π हो 4π हो 6π 8π कोई भी चीज हो जाएगा, उन सब में 2nπ प्लस थीटा, उसी तरह कॉस ऑफ 2nπ प्लस थीटा ये भी कॉस थीटा होगा, और टैन ऑफ 2nπ प्लस थीटा ये भी टैन थीटा होगा, ठीक है, और उसके अलावा कॉसेक ऑफ 2nπ प्लस थीटा ये भी कॉसेक थीटा होगा, सेक ऑफ 2nπ प्लस थीटा ये sec थीटा होगा, और cot of 2nπ प्लस थीटा ये cot थीटा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्या है, यूज कहां होगा, मुझे निकालने बोल दिया cos of let's say 750 डिग्री निकालने को, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos of 2 into 360 डिग्री प्लस ऑफ 30 डिग्री। तो ये cos of 2 into 360 डिग्री, हमें पता है कि 360 डिग्री का चक्कर लगाने के बाद वापस आएंगे तो फिर से वैसे ही कैलकुलेशन शुरू हो जाता है जो हम लोग को कैलकुलेशन है, तो 2 into 360 डिग्री मतलब दो चक्कर काट के और उसके बाद फिर हम लोग इधर आए 30 डिग्री, तो दो चक्कर काट के वापस तो 0 डिग्री पे ही पहुंच गए, तो 2 into 360 डिग्री को
ये जो 2n pi plus theta cos theta ही है, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, cos 30 degree ही लिख लेंगे, which is equal to root 3 by 2. Clear है? तो हम लोग क्या है, जितना भी बड़ा एंगल है उसको ब्रेक कर लेते हैं 360 के मल्टीपल्स में, 360 का मल्टीपल इग्नोर कर देते हैं और जो बाकी बचा हुआ एंगल है उसको निकाल लेते हैं. सर, हाँ बेटा, ये 2n पाई थीटा कहाँ से आया? 2n पाई जो है ना, ये एक जनरल फॉर्मूला है, बेसिकली ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या कह रहा है कि 2 पाई का कोई भी मल्टीपल लो, 2n पाई का मतलब क्या हो गया, 2 पाई इंटू एनी इंटीजर n, ये कोई भी इंटीजर, तो 2 पाई का कोई भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस ऑफ एंगल करोगे उसका और इसका कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालोगे तो वो थीटा का ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा. एक्चुअली होता क्यों है ऐसा, वही मैं समझा रहा था कि 2 पाई का n मल्टीपल्स, 2 पाई मतलब एक चक्कर, n मल्टीपल्स मतलब n बारी ऐसे गोल गोल घूम जाएंगे, वापस कहाँ पहुंचेंगे, यही जीरो डिग्री पे तो पहुंचेंगे. yes. और उसके बाद थीटा बोल रहा है, तो जितना एंगल थीटा है उस एंगल का हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेते हैं. तो ये जनरल फॉर्मूला है बेसिकली. उसी में मैंने इसको चेंज किया, देखो 360 डिग्री 2 पाई होता है, मैंने क्या किया 750 डिग्री को ट्वाइस ऑफ 360 प्लस 30 डिग्री में कन्वर्ट कर लिया. इसका मतलब कि दो बार 360 डिग्री का चक्कर मारेंगे और बाकी 30 डिग्री का हम लोग निकाल लेंगे. अब क्लियर है? यस सर. मान लो तुमको यहीं पे बोल देता tan ऑफ 1500 डिग्री का वैल्यू निकालो, 1500 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए 360 का करोगे तो हम लोग कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan ऑफ 4 × 360 करोगे 1440 डिग्री होता है, 50 ऑफ प्लस 60 डिग्री तो 1500 डिग्री हो गया. 4 × 360 डिग्री, मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम जीरो पे ही पहुंच गए, tan 60 डिग्री विच इज इक्वल टू रूट 3 आ गया. आगे समझ? यस सर. लिख लो इसको. हाँ बताइए डिंपल. थीटा का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई नहीं कर सकता. हाँ क्यों नहीं लाई कर सकता, हम एग्जांपल नहीं लिए, ले लेते हैं अभी एग्जांपल. जैसे 1500 डिग्री के जगह तुम मान लो कितना ले लोगे, 1520 डिग्री ले लो, है ना, 1520 नहीं 1545 ले लेते हैं, ठीक है, 45 तो कुछ अलग ही हो जाएगा, 1560 ले लेते हैं, 1575 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है, और हम लोग को tan का वैल्यू निकालने बोला है, tan 1575, तो tan 1575 में हम इसको लिखेंगे tan into 4 × 360 1440 हो गया प्लस ऑफ जो है 135, तो ये क्या हो गया tan ऑफ 135, क्योंकि 4 × 360 को इग्नोर कर लेंगे, tan ऑफ 135 निकालना है. इसको हम लोग फिर क्या कन्वर्ट कर लेंगे, 180 माइनस 45 लिख सकते हैं, 135 को लिख सकते हैं ना, 135 को, या फिर इसको दूसरा तरीका है, तुम tan 90 प्लस 45 लिख लो, एक ही बात, tan 180 माइनस 45 हमें पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो माइनस ऑफ tan 45 के बराबर हो जाएगा, दैट इज माइनस 1. tan 90 प्लस 45 माइनस ऑफ cot 45 के बराबर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1. क्लियर है? यस सर. तो तुम लोग इसका काफी प्रैक्टिस करो, मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा तुमको 10-15 क्वेश्चन, उसके हिसाब से अपने आप को प्रैक्टिस करना, मतलब ये सब जो फॉर्मूलेज हैं इनका, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग जो बाकी फॉर्मूलेज हैं वो कर लेंगे तो फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्री अगली क्लास में खत्म हो जाएगा. उसके बाद वापस हम लोग फिर वो जहाँ पे रुके थे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसको वापस शुरू करें.
ये तो इतना ट्रिग्नोमेट्री हम तुमको बता दिए कि जो बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है उसके लिए भी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी। इतना क्लियर है बच्चों? यस सर। चलिए ठीक है, मन लगा के पढ़ाई कीजिए एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सर।